आज हम गिलकी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। आप सभी लोग गिलकी बना के तो खाते होंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े प्याज कटे हुए, ये मैंने चॉपर में काट लिया है बिल्कुल बारीक। आप चाहें तो हाथ से काट सकते हैं इसे बारीक, चॉपर में काम बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए मैंने चॉपर में काट लिया है। इसे थोड़ा सा मिक्स करके रख देंगे हम। अब प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, ट्रांसल्यूसेंट हो गया है, हमें इसे इसी तरह से पकाना है। बस थोड़ा सा ही कलर चेंज हो जाए प्याज का, फिर हम इसमें ऐड करेंगे गिलकी, इसे भी मैंने चॉपर में कट कर लिया है बिल्कुल बारीक सा। ये मैंने 1/2 किलो गिलकी ली थी, इसे वॉश करके अच्छे से और फिर चॉपर में काट लिया है। आप इसे भी हाथ से काट सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं इसी सब्जी को बिल्कुल इसी मेथड से, लेकिन मुझे इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, आप लाल मिर्च ज़्यादा खाते तो ज़्यादा ऐड कीजिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। मिर्च इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और टेस्ट अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आएगा। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नीचे से जलनी नहीं चाहिए सब्जी। इसी तरह से इसे बीच बीच में घुमाते रहना है ताकि सब्जी नीचे चिपके नहीं। ये अच्छे से मिक्स हो गई है, गिलकी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप बिल्कुल इसे हाथ से काट सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल टेस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। बस इसे मिक्स नहीं करेंगे और इसे ढक के रख देंगे 1 मिनट तक सिर्फ हाई फ्लेम पे। अब फ्लेम लो कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे टमाटर को भी इन सब सब्जियों में। इसे बिल्कुल 1 या 1/2 मिनट तक ही पकाना है ऐसे बिना मिक्स करे, वरना ये नीचे से जलने लगेगी। अब मिक्स करके हम इसको फिर से ढक के रख देंगे। ये सब्जी ने तेल छोड़ लिया है, इस तरह से सब्जी थोड़ा सा ऑयल छोड़ देगी साइड से, मतलब सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ऊपर से हरा धनिया डाल के इसे हम गार्निश कर लेंगे। यहाँ मैं प्याज भी यूज़ कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। ये देखिए बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बनके रेडी हो जाती है। आप इसी को कुकर में भी बना सकते हैं, नो डाउट उसमें भी बहुत जल्दी बन जाएगी, इनफैक्ट इससे भी जल्दी बन जाएगी, लेकिन टेस्ट मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा।